हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉग्स पीडिया में। दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको सेंट बर्नार्ड के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सुने हों। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में सेंट बर्नार्ड काफ़ी पॉपुलर डॉग ब्रीड है और लगभग हर डॉग लवर सेंट बर्नार्ड को ज़रूर चाहता होगा। इन जाइंट डॉग्स को स्विस एप्स में एज अ रेस्क्यू डॉग ब्रीड किया गया था ताकि एवलैंड्स में और बर्फ में फंसे हुए लोगों को बचा सके। दोस्तों, सेंट बर्नार्ड के रेस्क्यू डॉग्स के लिस्ट में डैरी नाम का एक सेंट बर्नार्ड था जो बहुत ही पॉपुलर है, जिसने करीब करीब 100 लोगों की जान बचाई है। आज के टाइम में बैरी की बॉडी को नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा गया है जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इतना ही नहीं, इतने सालों में सेंट बर्नार्ड की ब्रीड ने 2000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है जो कि बर्फ में फंसे हुए थे या फिर एवलैंड्स में फंसे हुए थे। दोस्तों, क्या आपको पता है सेंट बर्नार्ड का सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही ज़बरदस्त होता है। कहा जाता है कि ये बर्फ के 10 फीट नीचे तक स्मेल कर सकते हैं। अगर कुछ बॉडी या फिर कुछ फंसा हुआ हो तो वो उसे ढूंढकर निकाल सकते हैं। दोस्तों, सेंट बर्नार्ड डॉग के ऊपर कुछ अमेजिंग रिकॉर्ड्स भी बने हुए हैं, जिसमें से एक है बेनेटिक नाम का एक सेंट बर्नार्ड था जो कि यूएसए से था और कहा जाता है कि उसका वेट करीब करीब 143 kgs तक था, 143 किलोग्राम, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया हुआ है जो कि 1981 के एडिशन में था। दोस्तों, ये फैक्ट सुन के शायद आपको थोड़ी हैरानी हो। जो मॉन्क्स अपने साथ सेंट बर्नार्ड को एज ए रेस्क्यू डॉग रखते थे, वो कभी भी छोटे सेंट बर्नार्ड डॉग्स को रेस्क्यू की ट्रेनिंग नहीं देते थे। वो पपीज सिर्फ अपने से बड़े सेंट बर्नार्ड डॉग्स को देखकर उनको कॉपी करते थे और जब वो बड़े हो जाते थे तो वो अपने आप ही रेस्क्यू मिशंस के लिए रेडी हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ टाइम पहले सेंट बर्नार्ड की ब्रीड लगभग ख़त्म होने के कगार पर आ गई थी क्योंकि जिन सेंट बर्नार्ड डॉग को ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता था वो एवलैंस के नीचे आकर मर गए थे। फिर सेंट बर्नार्ड की ब्रीड को बचाने के लिए इनको न्यूफाउंडलैंड डॉग्स के साथ क्रॉस किया गया, जिसका नतीजा ये निकला सेंट बर्नार्ड की ब्रीड तो बच गई लेकिन इनके बाल बहुत ही लंबे हो गए, जिसके वजह से ये जब भी बर्फ में चलते थे इनके बाल जम जाते थे और इनका कोट बहुत ही हैवी हो जाता था, जिसके वजह से ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते थे। दोस्तों, आपको सेंट बर्नार्ड के बहुत से इमेजेस में इनके नेक पे एक बड़ा सा कॉलर दिखेगा और कहा जाता है कि उसके अंदर ब्रांडी होती है जो बर्फ में फंसे हुए लोगों को गर्म रखने में हेल्प करती है। तब पहले सेंट बर्नार्ड के नेक पर कोई भी कॉलर नहीं होता था। एक पेंटर थे जिनका नाम था एडमर्ट लैंसियर, जिन्होंने अपने पेंटिंग में थोड़ी डिटेल लाने के लिए सेंट बर्नार्ड के नेक पर एक ब्रांडी कॉलर लगा दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड सेंट बर्नार्ड के ऊपर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों, आपके इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में।